तो नेक्स्ट है द विलेज हेडमैन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड हेड एंड मैन. विलेज हेडमैन में दो वर्ड आते हैं हेड और मैन. राइट डाउन फाइव सच कंपाउंड वर्ड्स, यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. तो ऐसे ही आपने और वर्ड्स लिखने हैं. अच्छा जैसे यहां पे है बॉल, तो आप लिख दो फुटबॉल, यहां पे लिख दो फुट, ठीक है, और यहां पे लिख दो बॉल, और यहां पे लिख दो फुटबॉल. लगे पता, ऐसे आपने करने. इस तरह नेक्स्ट वर्ड कर सकते हो, कौन सा कर सकते हो, रेन बॉ, यहां पे रेन लिख दो और यहां पे बॉ लिख दो, यहां पे लिख दो रेन बॉ, ठीक है. फिर उसके बाद पॉप कॉर्न, यहां पे पॉप, यहां पे कॉर्न, पॉप कॉर्न बन जाएगा. फिर अगले में लिख दो बटरफ्लाई, बटर प्लस फ्लाई इज इक्वल टू बटरफ्लाई. फिर अगले में लिख दो टूथ प्लस ब्रश, टूथ 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 प्लस ब्रश, टूथ ब्रश. तो ऐसे आपने ये वर्ड्स लिख देने हैं. लग गया पता. तो ये नीचे भी पांच हैं, तो पांचों में आपने लिख देने हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो आप. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखो. मैच द कॉलम्स इन, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी. ऑपोजिट्स के साथ मैच करना है. हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड. तो सैड के साथ आप वन लिख दो. सेम का ऑपोजिट क्या होता है, डिफरेंट. डिफरेंट के आगे आप नंबर टू लिख दो. रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मतलब मना करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अग्रीड. थ्री यहां पे लिख दो. इनसाइड का ऑपोजिट क्या होएगा, आउटसाइड. यहां पे नंबर फोर लिखो. अगली का ऑपोजिट क्या होएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है. अगली का मतलब होता है क्रूप, ठीक है, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर. ये आपने ऐसे लिखने हैं, ठीक है. अब आगे देखो नेक्स्ट. टिक द करेक्ट स्पेलिंग्स को टिक करना है. प्रिंसिपल एस वाला थोड़ा होता है, सी वाला होता है, तो यहां पे आपने टिक कर देना. गार्डियन, ये गार्जियन, ये वाला है स्पेलिंग. गार्डियन भी बोल सकते हो, गार्जियन भी बोल सकते हो, वैसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन गार्जियन है. फ्रीडम, फ्रीडम, ये आई वाला नहीं होता, आई, ये डबल ई वाला होता है, फ्रीडम. नेबर, ये वाले स्पेलिंग नहीं है, आई के बाद जी एच भी आता है, नेबरिंग, सॉरी नेबरिंग, तो इस पे आपने टिक करना है. विलेज में डबल एल आते हैं, तो ये वाला स्पेलिंग्स हैं. इस तरह करेक्ट स्पेलिंग्स पे आपने टिक करना है. ये वाली भी एक्सरसाइज होगी. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखो. नेक्स्ट एक्सरसाइज में है यूज अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जहां फुल स्टॉप लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपने देखना है कि मैंने क्या लगाना है. लगे पता इस बात का. अच्छा, वी गो टू द सेम स्कूल, यहां फुल स्टॉप आएगा, तो आप यहां पे फुल स्टॉप लगाओगे यहां पे, ठीक है ना. दोबारा सेंटेंस लिख करना, लास्ट में फुल स्टॉप. वेयर डू यू लिव, अब कहां रहते हो, अब ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आपने यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना है ऐसे, ठीक है. इसके आगे ऐसे करना आपने. वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, फुल स्टॉप आना है. सरदार भगत सिंह वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, फुल स्टॉप आना है. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप आना है. व्हाट इज योर फादर्स नेम, यहां क्वेश्चन मार्क. आपके पापा का क्या नाम है, जैसे ये व्हाट, क्या, वेयर, कहां, तो क्या कहां, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनको हम कहते हैं, ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो. नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि यहां पे देख लो. ये वाला rearrange the words in the proper order to make sentence. One has been done for you. Rearrange करके sentence लिखना है.
फ्रूट ऑरेंज जूसेस, ऑरेंज इज ए जूसी फ्रूट, ठीक है, लग गया पता इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्रेंड्स माई बेस्ट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपने लिखना है, ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कजन्स आर दे आर माई कजन्स, यहां पे दे आर माई कजन्स, तो ऐसे सेंटेंस आना चाहिए। हैव डॉग पेट अ आई, आई हैव अ पेट डॉग, आई हैव अ पेट डॉग। डॉक्टर फादर अ माई इज, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर, तो ऐसे आपने ये लिखने हैं, लग गया पता इस बात का। तो ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई, लेसन कंप्लीट हो गया, अब इसको आपने लिखना भी है, वर्ड्स अच्छी तरह पढ़ो, रीड द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स आल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द पेरेंट्स मस्ट गिव देम डिक्टेशन, पैराग्राफ डिक्टेशन एज वेल एज वर्ड डिक्टेशन, सो डिक्टेशन इज मस्ट, एंड इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग द चैप्टर लाउडली अमंग द स्टूडेंट्स। इन बच्चों को दोबारा दोबारा बोलो कि आप ऊंचे ऊंचे लेसन पढ़ो, सो दे विल बी एबल टू ओवरकम देयर शाइनेस ऑल्सो, एंड दे विल बी हैविंग ग्रिप ऑन देयर प्रोनंसिएशन। थैंक यू।